माय नेम इज सिया, आई स्टडी इन ट्रेड कॉप, बट टुडे इज माय थॉट, घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा ना करें, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। थैंक यू। कि हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, नम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे सभी इस अच्छे विचार का मतलब। हम ओपन ट्रेड से बच्चा है, respected principal sirs, GI sirs and all teachers and my dear friends, good morning to all of you. My name is Shivani, I study in trade Copa. और आज मैं आपको अपनी ट्रेड से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। My trade is Copa. Copa मतलब computer operator programming assistance. जैसा कि आपको पता है कि ये एक 1 year का कोर्स होता है और इसमें स्टूडेंट्स को बेसिक कंप्यूटर इंटरनेट एंड प्रोग्रामिंग की नॉलेज दी जाती है। आज के टाइम में कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की डिमांड बहुत हाई फाई है, तो मतलब मैं तो यही कहूँगी कि हर स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर क्योंकि हर काम आजकल ऑनलाइन होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, कोर्ट्स में भी सब काम ऑनलाइन होते हैं, बैंक्स में भी, मार्केटिंग में भी। तो अगर हमें ऑनलाइन मतलब अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो हम किसी भी लाइन में जा सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि ITI कोपा ट्रेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड। एंड टूडेज माई मोटिवेशनल थॉट इज़, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ख्वाहिश नहीं है कि हर कोई तारीफ करे, लेकिन कोशिश यही है कि कोई गलत ना कहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे का कि ट्रेड के बारे में भी बड़ा अच्छा। आप सभी को पता भी है कि जितना भी कार्य आज हो रहा है वो सारा कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन से मैक्सिमम 99%। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो दूसरी ट्रेडों में एडमिशन लेते हैं और वो प्राइवेट बाहर कंप्यूटर भी सीखते हैं। तो इतना महत्व आज हमारे जीवन में कंप्यूटर का आ गया है और एक कंपलसरी हो गया, वो जरूरी है। वो तो इस ट्रेड का ये महत्व है और इस बच्चे ने बड़े अच्छे ढंग से जो है इस बात को रखा है। और इसी के साथ साथ बच्चों, हम थोड़ा विचार करेंगे कि हमारे ऋषियों ने जो कहा था, वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा विश्व जो है वो एक कुटुंब है, एक परिवार है। और ये जो परिवार भावना है, ये जो हमारी ये जो चार दीवारी आप देख रहे हैं, चाहे वो हमारी स्कूल की थी, चाहे वो हमारी ITI की है, संस्थान की है, तो इसमें ना तो कोई धर्म है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ना यहाँ कोई जाति है, ना यहाँ कोई संप्रदाय है। यहाँ एक रिश्ता है, जिस तरह से घर में रिश्ता होता है माता पिता का, इस तरह से ही यहाँ गुरु और शिष्य का एक रिश्ता है। गुरु के लिए सब शिष्य बराबर है। तो ये जो परिवार भावना है जो हमारे ऋषियों ने दी है, तो उसमें सबसे पहले ये सहयोग आता है, सहयोग है, प्यार है, समर्पण है। ये कुछ हमारे जीवन में गुण है और ये हमें लाने चाहिए। तो आज विश्व में भी जो G20 का जो चला है वसुदेव कुटुंबकम, तो ये भी क्या है कि हम किसी भी तरह से कोई भी विपदा जब आ जाती है किसी भी देश के ऊपर, तो दूसरा सहयोग करेगा। तो हम कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उस दोस्त का बेस्ट फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं किसी भी दिक्कत में आऊँ, कोई प्रॉब्लम मेरे पास आए, तो मेरा जो दोस्त कहने वाला है वो मेरी सहायता करे, और मेरा फर्ज यह है कि मैं उसकी सहायता करूं। बेस्ट फ्रेंड का मतलब यही है ना। नहीं तो आज क्या है, आज तो सिर्फ परिचित है, कहने को बेस्ट फ्रेंड है लेकिन एक परिचित है। जब विपदा पड़ जाती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता समाज में, क्यों नहीं देता है, सिर्फ वो परिचित है। तो हमें बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, अच्छा मित्र होना चाहिए, अच्छा सहयोगी होना चाहिए। तो इस स्टेज से बड़े अच्छे अच्छे विचार जो है आप लोग देते हो यहाँ, और उनको अपने जीवन में भी लाने की आप लोग कोशिश करते हो। और ये प्रमाण है उस चीज़ का कि ऐसा ऐसा सभी बच्चों ने अनुशासन जो दिखाया है और वो दिखाते भी हैं। आप बधाई के पात्र हो सभी बच्चे, मैक्सिमम सभी बच्चे जो है आज हमारे ड्रेस में है। 2-4 बच्चे हैं किसी कारण से, खैर उन्होंने संकल्प लिया है बच्चों ने, उन्होंने कहा भी है कि हम कल से ड्रेस में आएंगे, और बड़ा अच्छा वो बोलते हैं। और उनके जीवन के अंदर एक जो
जिसको मैं ये कहूँ कि ये कोई संकीर्णता थी कि मैं कुछ नहीं बोल सकता, लघु ग्रंथि थी, आज वो गुरु ग्रंथि में बदल गया है। वो बोलने लगा है, एक बैठता नहीं तो दूसरा आ जाता है, तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। इसके लिए सभी बच्चे तालियां लगाएंगे, बड़ा अच्छा सहयोग आप सभी बच्चों ने दिया है, धन्यवाद। इसी के साथ मैं स्टाफ मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, कोई स्टाफ मेंबर